तो गाइस जैसा कि लास्ट ईयर Redmi 9 सीरीज लॉन्च हुई थी जिसमें आपको तीन स्मार्टफोन देखने को मिले Redmi 9, 9 Power एंड 9 Prime। लेकिन अब Xiaomi की तरफ से Redmi 10 सीरीज लॉन्च होने वाली है और कहा जा रहा है कि ये सीरीज अगस्त महीने में लॉन्च होगी और इसमें आपको Redmi 10 एंड 10 Power स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे। और दोस्तों अब Redmi 10 Power स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन भी आनी चालू हो गई है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे Redmi 10 Power स्मार्टफोन में आपको क्या कुछ स्पेसिफिकेशन मिलेंगे, क्या होगी इसकी प्राइस और कब तक इंडिया में आएगा, इन सब के ऊपर इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें क्योंकि इस तरह की टेक रिव्यू नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों Redmi 10 Power के स्पेसिफिकेशन की बात कर ले तो सबसे पहले शुरुआत करते इसके डिस्प्ले से। तो इसके डिस्प्ले की बात कर ले तो इसमें आपको 6.5 इंचेस का फुल एचडी प्लस आईपीएस एलसीडी का पैनल मिलेगा जो कि 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ में आएगा, जहाँ पर आपको पंच होल का डिस्प्ले मिलने वाला है। डिजाइन की बात कर ले तो इसका डिजाइन Redmi Note 10 सीरीज जैसा ही रहेगा। रियर साइड में ट्रिपल कैमरा सेटअप, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर एंड Redmi की ब्रांडिंग रहेगी। बाकी स्मार्टफोन लुकवाइज काफी बढ़िया होने वाला है। परफॉर्मेंस की बात कर ले तो यहाँ पर आपको MediaTek का नया चिपसेट देखने को मिलेगा जो कि MediaTek Helio G88 है। बाकी ऑक्टोकोर का चिपसेट है, 12 nm पर बेस होगा, बैटरी एफिशिएंसी काफी बढ़िया सी देखने को मिलेगी। और इसके अंततः स्कोर की बात कर ले तो 230,000 के आसपास इसका स्कोर है। Mali G52 का GPU मिलेगा जहां पर आप काफी अच्छी खासी गेमिंग कर लोगे। आउट ऑफ द बॉक्स Android 11 का सपोर्ट मिलेगा जो कि MIUI 12 पर बेस। कैमरा की बात कर ले तो ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा 64 मेगापिक्सल का, 64+8+2 मेगा, जिसमें आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर एंड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। इसके अलावा यहाँ पर आपको फ्लैश भी मिलेगा। बाकी रियर साइड पे आप 1080 रिजोल्यूशन वाली वीडियो रिकॉर्डिंग कर लोगे। अगर इसके फ्रंट सेल्फी कैमरा की बात कर ले तो फ्रंट में आपको 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया जाएगा, वहां से भी आप 1080 रिजोल्यूशन वाली वीडियो रिकॉर्डिंग कर लोगे। अगर इसकी बैटरी की बात कर ले तो इसमें आपको 6000 mAh की बैटरी मिलेगी, वहीं पर आपको 18W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया जाएगा जो कि टाइप सी पोर्ट के साथ आने वाला है। सेंसर्स की बात कर ले तो इसमें आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक सेंसर, प्रॉक्सिमिटी गायरोस्कोप, एक्सेलेरोमीटर, कंपास जैसे बाकी अदर सेंसर भी देखने को मिलेंगे। अगर इसके वेरिएंट की बात कर ले तो इसमें आपको 4GB 64GB 4GB 128GB and 6GB 128GB रैम एंड स्टोरेज वेरिएंट देखने को मिलेंगे। अगर इसकी प्राइस की बात कर ले तो इसके बेस वेरिएंट 4GB 64GB की प्राइस 11,000 के आसपास होगी। इसकी लॉन्च डेट की बात कर ले तो ये कहा जा रहा है कि ये स्मार्टफोन अगस्त के लास्ट वीक में देखने को मिलेगा इंडिया में। तो बस आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।